साढ़े नाल ज्यादती हुई है, साड़ियाँ जिमिया बहुत गिरियां ने, तो सन मरे ने कतल करे ने, तो कोई साड़ी इमदाद होनी चाहिए है, जिमी जबरदस्ती कब्जे कर गए ने दूंगा बिरावा ने। तो ये अमीर सेन है, ये फौज चो नठे वे ने, मोसू इकबाल है, इन फौज चो नठे वे ने करेची रंगा ना काम करें, अल्लाह जानी ना क्यों दौलत इतनी आती है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं वॉच टाइम्स और मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर नसीर। नाज़रीन मैंने कल भी प्रोग्राम किया, अब मेरा टारगेट सिर्फ वो सो कॉल्ड लीडर्स हैं जो आवाम को उनकी जमा पूंजी से महरूम करते हैं। मुझे कई ईमेल्स भी आई, वॉइस नोट्स भी आए और कहा गया जी कि आप नौसरबाज मत करें। मैं आपकी बात मान लेता हूँ और मैं जो सो कॉल्ड लीडर्स हैं उनको मैं नौसरबाज आइंदाबाद नहीं कहूँगा। अगर किसी की दिल आज़ारी हुई हो तो मैं उस पर भी माफ़ी का तलबगार हूँ, लेकिन हकीकत जो है ना उसको आप तस्लीम करना सीखे। सच चुभता बहुत है, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात चुभती बहुत है, वो होती सच है, लेकिन ये है कि हमारी पाकिस्तानी आवाम वक्त ही उसको मानने को तैयार नहीं होती। मेरा पहले दिन से दावा था बी फॉर यू एस आर ग्रुप ऑफ कंपनीज गैर कानूनी है। कल के प्रोग्राम में मैंने आपको मोहम्मद कलीम जो तलागांग से जिनका ताल्लुक़ है उनका चेहरा आपको दिखाया। अब मुझे ये बताएं कि जिन लोगों से ये सो का लीडर्स पैसे ले चुके हैं वो रात को सोते कैसे होंगे, वो उनको कैसी ये चीज़ हजम हो जाती होगी कि एक में कल भी मैंने आपको बताया था कि एक रंग वाला जिसने अपना घर बेच के इसकी बातों में आके पैसे लगा दिए, अब वो सर छुपाने के लिए कभी किस जगह रुल रहा है, कभी किस जगह रुल रहा है। इसी तरह मैंने आपको इरफान अफरीदी साहब के मतलब बताया कि माजी में वो किन कंपनीज़ में रहे, फजल करीम के मतलब बताया माजी में वो किन कंपनीज़ में रहे, मलिक नवीद साहब का पोस्टमार्टम इंशाल्लाह कि वो माजी में क्या क्या करते रहे, कितने रुपए कमा चुके। फिर इनके मोटिवेशनल स्पीकर राजा रियाज साहब, उनका भी मैंने ऑलरेडी प्रोग्राम किया, लेकिन आइंदा मज़ीद नई चीज़ों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। आज मैं बात करूंगा जो सो कॉल्ड लीडर है चकवाल का, अमीर हुसैन उर्फ आमिर मुगल। मेरा ये दावा है कि 2011-12 में वो नर्सिंग स्टाफ में थे, अगर गलत हो गया तो मैं माफ़ी मांगूंगा। मेरा ये दावा है कि वो कराची में रंग का काम करते रहे, मेरा ये दावा गलत हो गया माफ़ी मांगूंगा। रेलवे स्टेशन के ऊपर वो क्या करते रहे, अगर ये दावा मेरा गलत हो गया माफ़ी मांगूंगा। लेकिन आज मैं अमीर हुसैन उर्फ आमिर मुगल की आपको असलियत बताऊंगा। आपको मालूम है कि 5 स्टार के हरीश कडेला साहब भी मुल्क से फरार हो चुके हैं। अब एक दरख्वास्त दायर की गई है उनकी जानिब से, उनके वालिद साहब की जानिब से, कि किसी ने अगवा कर लिया है। जिस दिन हरीश कडेला साहब अगर गायब हुए थे इस दिन दरख्वास्त क्यों नहीं दी गई। अब जब उसके वारंट निकलने लगे हैं, वो जो मुकदमा उसके ऊपर हुआ है मनी लॉन्ड्रिंग का, तो उसके बाद जनाब आगे के दरख्वास्त दायर की गई ताकि किसी तरीके से सेफ साइड रखी जाए। 5 स्टार के आप देख लें विड्रॉल बंद है। अमीर हुसैन और आमिर मुगल साहब जो अरबपति बन चुके हैं, अवाम के पैसे लूट चुके हैं, अब मुझे बताएं इनको मैं फिर लुटेरा कह दूं, आपको वो बात भी नागवार गुजरेगी। आपसे मैंने जिस तरह कह दिया कि मैं इनको नौसरबाज नहीं कहूँगा, मैं इनको चलें ये करता हूँ कि इनको लुटेरा या फ्राडिये तो कह सकता हूँ कि ये अब देख लें। मैंने कल भी आपको असलियत दिखाई, लेकिन आज अमीर हुसैन और आमिर मुगल की वो असलियत दिखाऊँगा इसके सगे चाचा इसके मुतल्लिक क्या कहते हैं, जिनकी ज़मीनों पे इसने कब्ज़ा किया हुआ है, इसकी और रिलेटिव इसको बारे में क्या कहते हैं कि पैसे जब आए तो अमीर हुसैन और आमिर मुगल, रब जब जिसको देता है किसी को दे के आजमाता है, किसी से ले के आजमाता है, लेकिन अमीर हुसैन उर्फ आमिर मुगल जो 2013-14 में शराड और मेहरान गाड़ियों में घूमता था, अब वो किन गाड़ियों पर आ चुके हैं, आवाम का पैसा है, लाखों लोगों को मुख्तलिफ कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट करवा के अपने कमीशन की खातिर उनको जलील और रुस्वा किया जा रहा है। 5 स्टार की हालत आपने देख ली कि 4-5 माह चली होगी, अमीर हुसैन और आमिर मुगल को फाउंडर हैं इस कंपनी में और अपना एक एफएम रेडियो बना के भी घूम फिर रहे हैं, उनकी और भी बड़ी सी हकीकत है। लेकिन पहले मैं अमीर हुसैन और आमिर मुगल जो सो कॉल्ड लीडर है, अपने आप को नेटवर्कर कहता है, नेटवर्कर कुछ और चीज़ होती है। इनको मैं सो कॉल्ड लीडर्स इस वजह से कहता हूँ कि जो लीडर होता है उसमें खुदादाद सलाहितें होती हैं,
उसको जो भी सरकमस्टांसेस बनते हैं उसको मैनेज करने का तरीका आता है। लेकिन ये शो का लीडर्स तो वो है सिर्फ देखते हैं कि यार लाख रुपए आ रहा है तो लिहाजा इसको और डबो, इससे कोशिश करो करोड़ की इन्वेस्टमेंट कराओ ताकि अर्निंग ज़्यादा हो, कमीशन ज़्यादा बने। अमीर हुसैन और आमिर मुगल के जो सगे चाचा हैं, जो उनके रिलेटिव्स हैं, जिनकी ज़मीनों पे इसने कब्ज़ा किया हुआ है, वो इसके मुतल्लिक क्या कह रहे हैं आपको, क्योंकि हम लोग वहाँ पे गए, उनसे जो गुफ्तगू हुई वो आपको सुनवाते हैं। आपको असली चेहरा, आपको सो कॉल्ड लीडरों के पोस्टमार्टम हम करते हुए आप रोज़ाना की बुनियाद पर दिखाई देंगे। आप ये पहले जो अमीर हुसैन और आमिर मुगल सो कॉल्ड लीडर जो फाइव स्टार के को फाउंडर हैं, उनकी असलियत, उनके अपने रिलेटिव्स क्या बयान कर रहे हैं, पहले आप वो सुनें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अशरफ है। असि त्रै ग्राम फजलदार निवाद निवाद भाई साढ़ा मर गया, उसकी जिंदगी तक कब्जा कर देना मैं इतने भी कर के देने ते क्या किया, एक एक बच्चा फजलदार कब्जा किया, इसके हाथ के पुत्र छे ये गए सारे कुआड़े सोटे चाहे वे ट्रैक्टर अंग्रेज भाव आया जिमी इन्होंने ट्रैक्टर अपनाया मैंने जिमी भाव छोड़ सारे घिड़ गए वे दुरे अमरे अमीर सिंह ते उस दूसरी तरफ अपने के नाम की था वसीम 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 आया ते ये छे के छे पुत्र भी हो ते आप भी है सात बन गए है मैं अल्लाह मैं कोई बंदा नहीं मैं ना तो कोई नहीं सही ते इन हमारी जिमी तो कब्जा करके दा तो ओ जिमी बाहर छोड़ पहले ही की करंदे पहले सारी रात ही कई गए और छे पर कपे के गा कपे के ओके बाणे है वो नीता सी कई गए ये करेची जड़ी है ये कोई काम करते रहे पहले फौज च दो असीम इकबाल ये जरा मंजू सेन है ये फौज च दो ही नट्ठे अमीर हुसैन अच्छा अमीर हुसैन ये दो ही नट्ठे हैं फौज चो अच्छा। पिछो हुकूमत भी है कि कहीं कुछ ठीक होगी अच्छा। अगर पूछते हैं फौज च नस्ते तो कोई ना पूछो इन्ना पता नहीं कितों कोई लोट कहाँ रहा ये मौसम का दिल गहार है इंसान छिपे हो गए साड़ी जिंदगी क्यों हमें आमद कब्जा कर ली कोई ना वेली तो कितना कोई ना दी सानू पहला वेली तो नहीं किया पहला वेली तो किया ने वेली तो चलो फैसला हो गया बंदे धोता की थी ने तो जज खारिज खारिज हो गया और मोल के थे बार बार से टीचर को इधर से असली के डरते के करा जेदा गए हम अब मुसा ने कुछ भी नहीं बना अरे चुप पर बह और ना काम की तवा हो गई दुमा दी की दी दुमा दी भाई सही है तो हम थोड़ा की जरिया मुआश है हम मतलब ये होना चाहिए था सारा हक होना चाहिए था सारा ना जुल्म होया आप होना चाहिए थोड़ी कहने का अपील है इमरान खान अगर और तो मैं नहीं पता वजीर अगर जो वजीर हो सकता होना चाहिए अच्छा तो ये केड़े केड़े जा बन गए वे जा दुरेज आ अंग्रेज आ फलदाद आया दूसरी तक अपने के नाम है अमीर सैन के हुआ तो ये चार पाँच गए वे अमीर हुसैन पहले की करन दा ये पहले फौज च आया फौज च नट्ठे वे तो करे ची पता नहीं कोई रंगा ने सुनया काम करदा है कोई पता नहीं की करदा है ये फौज च नट्ठे वे ये मौसू इकबाल है जी। तो नाजरीन ये आपने असलियत सो का लीडर अमीर हुसैन और आमिर मुगल की आपने उनके चाचा अशरफ जो नियाज साहब हैं इसके अलावा रियाज साहब हैं उनकी जबानी आपने सुना। लेकिन अभी मजीद ये तो अभी इनिशियल स्टेज है मेरा, अभी मजीद आहिस्ता आहिस्ता मैं इन तमाम के चेहरे ये जो लुटेरे हैं ये जो फ्राडिये हैं इन तमाम के चेहरे आपके सामने रखूंगा। फिर आपने खुद अंदाज़ा करना है कि जिसके पास कख नहीं था अब वो अरबपति बन गया है आपकी इन्वेस्टमेंट लगवा के, तो क्या इसको इसका ज़मीर इसको मलामत नहीं करता होगा कि यार विड्रॉल बंद हो गया अपने पास से विड्रॉल दे दे। बी फॉर यू वाले कहते थे हम ट्रेडिंग करते हैं, यार कहाँ की ट्रेडिंग, कोई एक सबूत ला दें। कल के प्रोग्राम में मैंने आपको बताया मेरे पाँच सवालात के जवाब आज मलिक नवीद साहब राजा रियाज साहब, क्योंकि अब वीडियोस देखें शेख मोहम्मद साकिब शामी साहब की तो वीडियोस आना बंद होगी, मोटिवेट कर रहे हैं राजा रियाज साहब। उन्होंने कल भी कहा जी कि जिसके जहां पे रिलेशन है वो आवाज़ बुलंद करे और नेटवर्क मार्केटिंग को लीगलाइज करवाए। नेटवर्क मार्केटिंग को लीगलाइज करवाने के लिए मैं आपके साथ हूँ, लेकिन जो आपके साथ बहरूपिए हैं
उनके खिलाफ आप क्या कार्रवाइयाँ करवाएंगे जो माजी में किन कंपनीज में थे? फिर जब उनको मालूम होता है, क्योंकि मेरा ये भी दावा गलत साबित कर दे, मैं सरेआम माफ़ी मांगूंगा कि जो सो कॉल लीडर्स होते हैं उनको मालूम होता है कि फलां कंपनी ने स्कैम करना है, वो इसमें इन्वेस्टमेंट करवाते हैं, अपना कमीशन उठाते हैं, गायब हो जाते हैं। आप देख लें अभी एक और ZS क्वाइन जो जैन शेख साहब हैं, उनका एक क्वाइन है, उनकी अपनी वेबसाइट पे जाएं तो उनके क्वाइन का रेट है $1, लेकिन आप जब किसी एक्सचेंज पे जाएंगे तो वहाँ पे उनके क्वाइन का रेट है 0.00 समथिंग, और वो लोगों को गाड़ियाँ दे रहे हैं, वो लोगों को मोटरसाइकिल दे रहे हैं, पोंजी स्कीम चला रहे हैं। ZS क्वाइन की आपको मैंने बात बताई कि उनकी वेबसाइट के ऊपर कुछ रेट है, एक्सचेंज के ऊपर कुछ रेट है, लेकिन वो भी पोंजी स्कीम चला रहे हैं। अब ये बताएं कि इतने बड़े इनामात जो दिए जा रहे हैं, हर लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उनको सुहाने ख्वाब दिखाए जा रहे हैं। जैन शेख साहब से हमने मौकफ़ के लिए रब्ता किया, उन्होंने कहा जी मैं पोंजी स्कीम नहीं चला रहा, मैं तो सिर्फ क्वाइन, मैंने उनको कहा जी परपाल का भी क्वाइन था, उसके ऊपर उन्होंने कोई जवाब ना दिया। लेकिन ZS क्वाइन के मतलब या जो ZS ग्लोबल कंपनी है इसके मतलब अभी मज़ीद तफसीलात भी हमें फराम की जा रही हैं, और Binto.com के हवाले से मैंने चार दोस्तों का जिक्र ऑलरेडी आपसे कर दिया कि वो चारों भी लुटेरे हैं, आवाम को लूट रहे हैं, उनका माजी भी कुछ बहुत ही भयानक है, उसके ऊपर भी मैं बात करूँगा। लेकिन जहाँ तक आमिर मुगल या अमीर हुसैन की बात है, उस हवाले से जो चकवाल के मुतासरीन ने उन्होंने सिटीज़न पोर्टल पर एप्लीकेशन भी मूव कर दिया है कि अमीर हुसैन और आमिर मुगल के असासाजात चेक किए जाएं कि ये माजी में क्या था, अब इतने अरबों पति ये बन चुका है, इसके पास ये पैसा कहाँ से आया, ये टैक्स रिटर्न कितना जमा करवा रहा है। अमीर हुसैन और आमिर मुगल के मतलब मज़ीद दिल दहला देने वाले इनकशाफात सबूतों के साथ आपके सामने रखूँगा। मैंने अब ये अहद कर लिया है कि जो सो कॉल लीडर्स बने फिर रहे हैं, आवाम को लूट रहे हैं, उनका चेहरा आपके सामने रखना है, ताकि जो पाकिस्तानी मासूम आवाम जब किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने का सोचे तो उनको ये पता हो कि जिस लीडर सो कॉल्ड के पीछे आप लबाइक कर रहे हैं उसका माजी क्या था, वो किन किन कंपनी में रहा, वो कंपनी स्कैम कर चुकी हैं। मज़ीद दिगर और भी बहुत से सो कॉल्ड लीडर्स, जैसा मैंने कल मोहम्मद कलीम का आपको बताया, अभी उस हवाले से मज़ीद दस्तावेज़ात हमें मिल चुके हैं, उसके ऊपर अलहदा प्रोग्राम करूँगा। लेकिन रोज़ाना की बुनियाद पर आपको इंशाल्लाह सो कॉल्ड लीडर्स के भयानक चेहरे आपको दिखाता रहूँगा कि खुदा रहा ये जो सो कॉल्ड लीडर्स जो लुटेरे बने हुए हैं, जो आवाम को लूट रहे हैं, इनके पीछे लबाइक मत कहें, ये सिर्फ अपने कमीशन खाने के चक्कर में आपकी रकम डुबो रहे हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान ताहिर नसीर को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।